भक्त जनों को सुप्रेम नमः। आज मैं आपको वज्र मुद्रा के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, वज्र जो है भगवान इंद्र का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है और काफ़ी शक्तिशाली है। और वज्र तंत्र में वज्र यौन शक्ति को भी कहते हैं, क्योंकि यह भी बहुत शक्तिशाली होता है। तो यौन शक्ति को भी बढ़ाने के लिए, यौन शक्ति का रूपांतरण करने के लिए भी यह मुद्रा बहुत लाभकारी है। और सामान्य रूप से शक्ति को बढ़ाने में यह काफ़ी मददगार है। यह शरीर को पुष्ट करता है हर तरीके से। इसमें आपके अग्नि तत्व का, जल तत्व का और आकाश तत्व का पृथ्वी तत्व के साथ बहुत बढ़िया संयोग बनता है। इसके लिए आप किसी भी ध्यान आसन में बैठ जाएंगे, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, सुखासन, भद्रासन आदि। शौच क्रिया से निवृत्त होकर कैसा करेंगे। अब ये जो अंगुलियां हैं तीनों, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा और यह अंगूठा, इसको मिला लें, यह तर्जनी उंगली मुक्त रहेगी, स्वतंत्र रहेगी। और यह दोनों हाथों में करेंगे। यह सीधा रहेगा, यानी केवनी नहीं मोड़नी चाहिए, सीधा मेरुदंड भी सीधा रहेगा, सीधा करके बैठेंगे। यह उंगली वायु तत्व का नियमन करती है और ज्योतिष के हिसाब से यह गुरु तत्व का नियमन करती है। यानी इस उंगली के मुक्त होने से व्यक्ति में आदेश, निर्देश देने की क्षमता का विकास होता है। तो जिस व्यक्ति में यह गुण नहीं है या कम है, उन्हें इसका अभ्यास बहुत लाभकारी होता है। उन्हें यह शक्ति देता है, आंख से आंख मिला करके बात करने की ताकत देता है। जिनका दब्बूपन है, वो दब्बूपन दूर होता है। यह आपको कुछ संभाल के करने जैसा भी है, क्योंकि अत्यधिक आदेश निर्देश देना शत्रु भी उत्पन्न करता है, कटुता भी उत्पन्न करता है। इसलिए एक सामान्य संतुलन चाहिए। और जो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव के हैं, उनके लिए तो यह वज्र मुद्रा उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि यह कुछ उसमें वृद्धि कर सकता है। यह जो है आकाश तत्व का, जल तत्व का, अग्नि तत्व का नियमन करता है पृथ्वी तत्व के साथ। इस वजह से जो मस्तिष्क संबंधित रोग हैं, जिसमें कि अच्छे विचार की उत्पत्ति का नहीं होना, जिसमें कि बहुत जल्दी पढ़ते पढ़ते थक जाना, तुरंत सो जाना, विद्यार्थियों के लिए यह बहुत अच्छा है, उनमें पढ़ने की शक्ति आएगी, एकाग्रता और स्टेमिना बढ़ाने वाली मुद्रा है। यह मुद्रा आपके वायु विकार को दूर करती है। इस वजह से एसिडिटी, कब्ज वगैरह से आप बच सकते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में यह जो है सिर्फ 5 मिनट ही किया जाना चाहिए, अन्यथा फिर जो है ज़्यादा करने से एसिडिटी के बढ़ने की संभावना भी रहती है। 5 मिनट तक तो सही संतुलन बनाता है। ज़्यादा करने में लाभ है अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि जिसके शरीर में गर्मी की कमी है, आर्थराइटिस, गॉट, सांस की बीमारी है, उनको तो ज़्यादा करने में यह लाभ करेगा।
या जिनको जलोदर संबंधित परेशानी है, सूजन वगैरह की बीमारी है, उसमें भी यह बहुत लाभ करेगा। जिनके हृदय कमज़ोर हैं, गति हृदय की अच्छी नहीं है, खून का संचरण संभ्रमण अच्छा नहीं है, यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया नहीं है, जिनके लीवर में परेशानी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिनके गुर्दे में भी परेशानी है, स्टोन वगैरह है, या पेशाब में जलन होती है, पेशाब सही से नहीं होता है, या जिनको यौन संबंधित परेशानी है, यौन संबंधित परेशानियों के लिए तो यह वरदान है। इसका नाम ही वज्र मुद्रा है, यानी यौन विकार के लिए तो ये समझ लीजिए कि महान मुद्रा है, उसको दूर करने के लिए, चाहे बांझपन हो, चाहे नपुंसकता हो, चाहे किसी प्रकार के यौन विकार हो, उसमें उसको यह दूर करता है। सहवास में जिनको परेशानी होती है, या जो कम देर टिकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है यह। इस मुद्रा का अभ्यास सुबह शाम दोनों समय किया जा सकता है, लेकिन खाली पेट, और अपने आवश्यकता के अनुरूप करें। न्यूनतम 5 मिनट और 5-5 मिनट के फेज से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जिन्हें समाधि में जाना है, उनके लिए तो 3 घंटा और 5 घंटा के बीच इस मुद्रा को साधना होगा। स्थिर भाव से बैठेंगे, श्वास पर श्वास पर ध्यान देंगे, दिल की धड़कनों पर ध्यान देंगे, और तैरते हुए विचारों पर, और शरीर में जहाँ भी दर्द उभरेगा वहाँ पर, आप देखेंगे उन सब का नियमन आप कर ले पा रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप उसका संयोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको नियंत्रित कर पा रहे हैं। तो अपनी वासनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी इंद्रियों को संयमित करने का बहुत बढ़िया यह है। बस जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित होते हैं, अत्यधिक आदेश देते हैं, उनको यह ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जिनमें पहले से ही उस तरह के गुण हैं, अन्यथा यह बहुत लाभकारी है। यह हमें शक्तिशाली बनाता है और समाज में स्थान निर्मित करता है। वज्र के बदौलत ही इंद्र देवताओं के राजा बने, तो आप भी देव पुरुषों के समाज में जो बढ़ चढ़ के मनुष्य हैं, उनमें से आप और आगे बढ़ करके उनका नेतृत्व करने में समर्थ हो सकते हैं, उनका राजा आप बन सकते हैं। यह मुद्रा आपको शासन करने की प्रवृत्ति देता है, यानी जिसे प्रशासन में और शासन में जाना है, जिसे राजनीति करनी है, या जिसे प्रशासन में जाना है, अधिकारी बनना है, उसके लिए यह मुद्रा बहुत ही लाभकारी है, उसे परम शक्तिशाली और परम सौभाग्यवान बनाता है। तो इस मुद्रा का अभ्यास आप करें, अपनी आवश्यकता अनुसार करें, अपनी आवश्यकता को और अपना संयमन आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया जा सकता है, कोई फिक्स रूल नहीं बनाया जा सकता है हर एक व्यक्ति के लिए। हर एक व्यक्ति को अपने शरीर, अपने मस्तिष्क, अपने हृदय संबंधित कुछ तो जानकारी होनी चाहिए, और जब वो करता है तो जानकारी होने लगती है, वो समझ जाता है कि मेरे लिए कितनी खुराक है। तो जिस तरह से हर जो दवाइयाँ होती हैं वो अवश्य कुछ खुराक वाली होती हैं, एक सामान्य खुराक बताया जाता है, लेकिन हर मनुष्य के लिए अलग अलग खुराक होती है, क्योंकि अलग अलग मात्रा में उसकी बीमारी है और अलग अलग मात्रा को झेलने की और पचाने की उसकी क्षमता होती है। तो आपको अपनी मात्रा हर एक मुद्रा में, न सिर्फ इस मुद्रा में बल्कि हर एक मुद्रा में आपको अपने आवश्यकता समझनी होगी, और उसके अनुसार ही आपको करना पड़ेगा। कोई भी उपदेशक निर्देशक आपको बिल्कुल फिक्स नहीं बता सकता, न बताना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग ढांचे से, अलग आवश्यकता से बना है, सब लोग अलग विकास के क्रम में हैं, और सबकी अलग अलग परेशानियां हैं। उन परेशानियों को देखते हुए उसके लिहाज से ही आपको अपना तप करना चाहिए। तो आप इसको करें, बहुत लाभ देगा।
आपने इतने प्रेम से सुना, इसके लिए आपको सधन्यवाद। ओम हरि।